ग्राम हिनोतिया माली के वासियों ने आज कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पिछले 5-6 सालों में कुटीर न मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उनके नाम लिस्ट में आ गए, लेकिन सचिव सरपंच की मनमानी के चलते उनके नाम गायब हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई लोग ऐसे हैं जो टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं और कुटीर अब तक उन्हें नहीं मिल सकी है। यहाँ तक कि विधायक के पास भी गुहार लगाई, अधिकारियों के पास भी गए फरियाद लेकर, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही। एक बार फिर वह कलेक्टर के पास कुटीर की मांग को लेकर आए हैं। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दलपत सिंह। कहाँ से आए हो? हिनोतिया माली। क्या परेशानी थी? कुटी पहचान कर रहे हैं सब, चार चार भी नौ आ गए और दे ही नहीं रहे सरपंच। क्या नहीं दे रहे? कुटी सबसे परेशान हो रहा है। कम से कम 5-6 साल हो। नाम आ चुका है? नाम आ चुका है। अभी तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पहले से कहा थी? तीन चार दिन कर दें सब जगह, कोई सुनवाई नहीं। नहीं। क्या नाम है आपका? गोपाल। हिनोतिया माली। क्या परेशानी थी? सब कुटीन को नाम आ जाते लिस्ट में और गोल कर देते हैं, पता ही नहीं कर रहे, पढ़े लिखे हैं नहीं है सर। कौन कर देता है? कब आते? कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत हम आए थे एक बार और कोई सुनवाई नहीं करी। अभी आप ज्ञापन नहीं आ गए? जहीं जाए और कहूँ नहीं गए। हाँ, ज्ञापन क्या चाहते हैं आप? हम तो कुटी मिल जाए सर, हमने नाम आते हैं, मतलब उनकी खोजना करो। कितने परिवार हैं? हम तो हिनोतिया माली में सबरे कहूँ 50 आदमी, 50 आदमी है परेशान हिनोतिया माली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।